पहला दुगना कर दो फिर जल पियो, अन्यथा भयंकर परिणामों के लिए तैयार रहो। सुनो दादा, भूल इनकी नहीं है, भूल हमारी है। ये वृद्ध जन तो हमारे लिए जल भर रहे थे। तुम्हारे लिए? क्यों भैया, तुम कहीं के युवराज हो क्या? तो पानी तक तुम अपने हाथों से अपने लिए नहीं भर सकते। हेलो, तुम भी कर दो। परंतु कर देने के लिए हमारे पास मुद्राएं नहीं है। ये लीजिए, ये रख लीजिए, इसे बेचोगे तो इससे आपको इतना धन मिल जाएगा जिससे आप अपनी स्वयं की बावड़ी खरीद सकोगे। तुम भले बालक लगते हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, चलो। ये हमें दे दीजिए। नहीं, रहने दो बेटा। दे दीजिए काका, चलिए। आओ बेटा, यहां रख दो। धन्यवाद बेटा। तुम कुछ खाओगे? मैं लाता हूं, तुम यहीं रुकना है। खाना तो खा लो बेटा। ए लड़के, क्या तुमने तुम्हारी आयु के दो लड़कों को जो कुछ देर पहले भोजन बांट रहे थे यहाँ से भागते हुए देखा है? कैसे दिखते थे वो? पता नहीं, चेहरा तो ठीक से देखा नहीं हमने उनका। उन दो लड़कों ने राजकीय पाठशाला से भोजन चुराकर भयंकर अपराध किया है। ओह, रुकुम, आप तो उन्हें पकड़ते पकड़ते रह गए। कहना का मतलब क्या लड़के? हुकुम, यहाँ कोई नहीं मिला। वो एक का तो पता नहीं, परंतु दूसरा उसी ओर भागा है जिस ओर से अभी अभी आप आए हैं। पता नहीं हुकुम, आपका ध्यान उस पर कैसे नहीं गया, वो उधर भागा हुआ। चलो, दूडा सुनिए, कोई है? कोई है यहाँ? द्वार खोलिए। कोई है? सुनिए, कोई है यहाँ? सुनिए, कोई है? कोई? क्या कर रहे थे तुम यहाँ? चोरी करना चाहते हो हमारे यहाँ?
आगे बताना। देखिए हम यहाँ पर कुछ चुराने के लिए नहीं आए हैं। कौन है कृष्णा? हमें लगता है पन्ना दाई कि अब आप बाहर आ सकती हैं। आप सब भी बाहर आ सकते हैं। मेवाड़ के भावी राजा की रक्षा के लिए पन्ना ताई ने अपने पुत्र के बलिदान का निर्णय लिया। इतना बड़ा बलिदान किया किंतु कभी कुछ नहीं मांगा मेवाड़ से। वही लड़के हो ना जो इसे सैनिकों के हवाले करना चाहते थे? हाँ पन्ना दाई, यही था वो लड़का। इसी समय यहां से चले जाओ। मैं बता देती हूं तुम्हें, यहां रहने वाले लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी को पता तक नहीं चलेगा तुम्हारा। तुम्हारे चहेते राव सुल्तान तक को समझ गए तुम? अच्छा, तो इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ, इन्हीं के लिए आप भोजन चुराते हैं ना? हाँ, किंतु यह उन्हीं के लिए है जो सुरतन सिंह के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। उनके लिए नहीं जो राजा के चमचे होते हैं, जैसे कि तुम जैसे को तो। अरे लड़की, कभी तो मीठा भी बोल लिया कर। ये चुपती हुई बातें, ये कड़वी बातें। दाता, आप भीतर चलिए, भीतर चलकर विश्राम कर लीजिए। जब से सुरतन सिंह ने मेरी आंखें निकलवा दी, तब से मेरी बेटी राजद्रोही बन गई है। वरना दाई माँ, हम सुरतन सिंह के चहेतों में से नहीं है। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी भलाई इसी में है। यहां से चले जाओ, अभी इसी समय चले जाओ यहां से। बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तुम्हें सुनाई नहीं देता हमने क्या कहा? अभी इसी समय यहां से चले जाओ। हमें पीने को थोड़ा जल मिल सकता है क्या? और थोड़ा कुछ भोजन में भी मिल जाए तो? लो। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा भला बनने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप खाना खाओ और भाग जाओ यहाँ से। डूडा से बोल, वो बाहर आ सकता है। डूडा, डूडा, डूडा कहीं हमारी असली पहचान ना खोल दे सबके सामने। उसे ऐसा करने से रोकना होगा हमें। हे एकलिंग जी, आज तो बस ये सैनिक हमें पकड़ ही लेने वाले थे। प्रताप, क्या बोला? अर्थ क्या हुआ इसका? वो ये लड़का सेवक था ना कुंवर प्रताप का, तो वो तो मेरे साथ ही पढ़ते थे गुरुकुल में, तो ये उनका सेवक था, तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और सहयोग से
इसका भी नाम प्रताप है, है ना प्रताप? द्वार खोलो। द्वार खोलो, खोलो द्वार। दुदा, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं माँ की? हमें पता चला है कि भोजन चुराकर भागने वाला लड़का इसी ओर आया है, और क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में यही कहते हैं कि तुम अपराधी को आश्रय दिया करती हो, तो हम ये मान सकते हैं कि वो लड़का यहीं आया होगा। ऐसा कोई लड़का यहाँ नहीं आया है। हट जाओ, हमें आगे जाने दो। रुक जाओ। आप जानते हैं ना कि पन्ना दाई पर संदेह करने से पहले आपके राजा को भी कम से कम दो बार सोचना पड़ता है। क्या ये जानते हुए भी आप इन पर संदेह करने का संकट मोल लेना चाहेंगे? देख लेना, तुम सबको इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। चलो। कृष्णा, तुम क्यों छुप रहे थे झंझार सिंह से? क्योंकि मेरा पीछा करने वाले सैनिकों को इन्होंने ही दूसरी बार भेज दिया था। मुझे इनसे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप, मतलब सेवक प्रताप। पन्ना दाई, आप यहाँ इस नरक में क्यों रहती है, जबकि आप जहाँ चाहे वहां रह सकती है? हमारे कहने का अर्थ है जैसे मेवाड़। यहाँ की स्थितियां चाहे जितनी बुरी हो, अब हम यहीं के हैं, इसीलिए हमारी अंतिम सांस तक हम यहीं रहेंगे। परंतु पन्ना दाई, अंतिम चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। परंतु हम यहाँ रहकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है आप सबकी सेवा, और इसके लिए आपको हमें कुछ नहीं देना है, बस एक समय का भोजन मिल जाए, हमारे लिए वो बहुत होगा। बस अब और परीक्षा मत लो हमारे धैर्य की। पन्ना दाई, क्या सचमुच हमारे योग कोई कार्य नहीं है यहाँ? क्या साधारण भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती? सिंह का छोरा मिल नहीं रहा है, ऊपर से दो चोर भी तुमसे संभले नहीं जा रहे। दोनों चोरों ने तो हमारे राज्य में हुदंग मचा के रखा है। ये हमारे नेतृत्व के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बैरम खान को इस बारे में पता चला तो कितना अपमान होगा हमारा, पता है तुम्हें? घोड़े पे बैठे और गाय की तरह मुंडी हिला रहे हो, परिस्थिति की गंभीरता को समझो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो कोई डरेगा नहीं हमसे।
अवश्य ही ये दुदा के लिए आया है। बात नहीं करना चाहते हम आपके साथ, जल्दी बता दीजिए कहाँ छुपा कर रखा है उस छोरे को। ये जैसा कह रहे हैं वैसा कोई भी लड़का यहाँ नहीं है। नहीं है पता आपको कि अब हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं पन्ना दाई? पन्ना दाई, अब हम पहले जैसे दुर्बल नहीं रहे हैं। कुछ खास विदेशी लोगों के साथ हमारी मित्रता हो गई है। उचित होगा अगर आप हमें बता दें कि वो छोरा कहाँ छुपा कर रखा है आपने। हमारी पाकशाला से भोजन चुरा के भागा था वो, और कल तो उसके साथ एक और लड़का भी था, और आज भी चुराया हुआ भोजन वो गरीबों में बांट रहा था। आप क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा, जाग और कुछ छान मारो और आवश्यकता पड़े तो दीवारों को तक तोड़ दो। रुक जा। ना पन्ना दाई, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बची कुची आयु काल कोठरी में ना बीते तो हमारे कार्य में बाधा ना डाले। सैनिको, सुनिए, इस खिड़की से शीघ्र ही भाग जाइए, शीघ्र। नहीं नहीं बाजीबाज, हम आपको अपने लिए आपके बाहर संकट में नहीं डालने देंगे। मगर तो दुदा आप समझ नहीं रहे हैं, सुल्तान सिंह के सिपाही आपके पीछे पड़े हैं। ढूंढो उसे, वहां जाओ। छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करने में बहुत रुचि है तुम्हारी पन्ना दाई। कोई नहीं यहाँ पे, चलो। बावड़ो हो गया, अंदर ले आए उसे।